पुलिस वालों को लेकर लोग बुरा भला कहते हैं, फिटनेस को लेकर मोटा गैंडा ठुल्ला कहते हैं, करप्शन को लेकर जमकर गालियां देते हैं। आज हम आपको इस तस्वीर के दूसरे पहलू से परिचय कराते हैं। पुलिस वाला प्रतिदिन कम से कम 12 घंटे की ड्यूटी करता है, ना कोई रविवार ना कोई छुट्टी। जिस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है उस दिन वह सुबह 4 बजे जगकर अपनी वर्दी दुरुस्त करता है, जूता बेल्ट चमकाता है और जनता के सामने एक आदर्श बनने की कोशिश करता है। भाई साहब, कभी इनकी यूनिफॉर्म उतार कर देख लेना, 10 में से 4 की बनियान फटी होगी, मोजे फटे होंगे। कोई भी सरकारी विभाग हो देश में, रविवार 52 दिन, दूसरा शनिवार 12 दिन, सरकारी छुट्टियां 36 दिन, कुल मिलाकर एक साल में 100 छुट्टियां मनाता है, सेलिब्रेट करता है। भाई साहब, पुलिस वाला भी एक सरकारी कर्मचारी ही है, सैलरी भी किसी भी सरकारी कर्मचारी जितनी ही मिलती है, फिर इन 100 दिनों में से एक भी दिन सिपाही को क्यों नहीं मिलता? विभिन्न श्रम एक्ट और फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार किसी भी व्यक्ति से पूरे सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता और एक दिन में अधिकतम 9 घंटे। भाई साहब, एक पुलिस वाला प्रतिदिन कम से कम 12 घंटे की ड्यूटी करता है और सप्ताह में 84 घंटे। दिहाड़ी मजदूरों से भी बदतर हालात है इनके। अगर कोई दंगा फसाद हो जाए तो ड्यूटी कब खत्म होगी इसका कुछ फिक्स नहीं होता। इन पुलिस वालों के भी बच्चे होते हैं, माँ होती है, पत्नी, परिवार सब होता है। आप जरा सोचिए, एक सिपाही को अपनी बेटी की फीस भरनी है, उसके दिन की ड्यूटी है, कब भरेगा? पूरी जिंदगी निकल जाती है। कोई भी त्योहार घर पर नहीं मना पाता, क्योंकि अगर ये सड़क पर ना खड़ा हो तो कोई भी त्योहार बिना फसाद के पूरा ही नहीं होगा। पूरी जिंदगी निकल जाती है ये ख्वाहिश लिए कि कभी टीचर पेरेंट्स की मीटिंग में जा सके। पूरे देश में जाकर देखिए, 24% से भी कम को सरकारी आवास मिलना होता है और ये आवास सिर्फ एक कमरे का होता है। एक बार सोच के देखिए, कैसे रहते होंगे अपने माता पिता बच्चों को लेकर। घरों की हालत इतनी खराब कि कोई पता नहीं कब छत गिर जाए, न साफ पानी की व्यवस्था, न शौचालय की। और जो बैरक में रहते हैं उनकी स्थिति और ज्यादा खराब होती है। पुलिस लाइन में सुबह 4 बजे से शौचालय के बाहर लाइन लगती है कि टाइम से फारिग हो जाएं। शेविंग भी करनी है, लाइन भी लगकर नहाना भी है और फिर लाइन में लगकर मेस में खाना भी खाना है, क्योंकि ड्यूटी सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। वहां अगर 5 मिनट भी लेट हो गए तो गैर हाजिरी लिख जाएगी। पूरे दिन जनता की उपेक्षा, अधिकारियों और पावरफुल लोगों की डांट, बात बात पर वर्दी उतारने की धमकी के तनाव के बाद जब रात में 9 बजे बैरक पहुंचता है पुलिस वाला, तो उसके जहन में सिर्फ एक बात होती है कि सुबह 4 बजे फिर से जागना है, टॉयलेट की लाइन में लगना है। 45 से ऊपर शायद ही कोई पुलिस वाला स्वस्थ रहता होगा। 40 पार करते करते अनेकों बीमारियां इनको घेर लेती हैं, लेकिन बच्चों को पालना है, मजबूरी है, जिंदगी है तो काटनी है, कट ही जाएगी, शायद इसी को जिंदगी कहते हैं। सो दोस्तों, ये है उन 80% पुलिस वालों की कहानी जो किसी बड़े पद पर आसीन नहीं, किसी कमाई वाली पोस्ट पर पोस्टेड नहीं, जिनका किसी नेता मंत्री से जैक नहीं। ये वह मेजॉरिटी 80% पुलिस वाले हैं। 20% रिश्वतखोर आला अफसरों की वजह से इन 80% लगभग बिलो पावर्टी लाइन की जिंदगी जीने वाले पुलिस वालों को भी समाज बुरी नजर से देखता है। ये समाज, तुझसे निवेदन है इस रक्षक के साथ ऐसा व्यवहार कर कि एक घूस छोड़कर कर्तव्य की तरफ बढ़े। समाज, तुझे बस इस रक्षक को आदर देना है, सम्मान देना है, तो फिर कभी इन छोटे पुलिस वालों को ठुल्ला ना बोलना दोस्तों। ये अगर हमारी तरफ आ जाए तो उन 20% पुलिस वालों की रौब वहां घुसड़ जाएगी जहां इनकी लाइन सुबह सुबह लगती है। शेयर करो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, हर जगह, और सम्मान दो इन छोटे पुलिस वालों को जैसा एक फौजी को देते हो। जय हिंद।